Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't. हेलो फ्रेंड्स, सर्दियां हैं, सर्दियों में परांठों का अलग ही मज़ा रहता है। इन दिनों गोभी के परांठे भी खूब बनते हैं, मूली के परांठे भी और कई तरह के परांठे बनते हैं, पर मैं आज जो आपके लिए लेके आई हूँ हरी मिर्च के परांठे, जो कि एक यूनिक रेसिपी है। और साथ में मैंने बनाई है पनीर की टिप। यहाँ मैंने लिए शिमला मिर्ची 2 मीडियम साइज की और 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। इनको थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं। तेल मैंने ऑलिव ऑयल का लिया है और जो हमने मिक्सर ग्राइंड किया था शिमला मिर्च का और लहसुन का, इसको हम अच्छे से पका लेंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इसको ना तो ज्यादा गाढ़ा करना है ना ज्यादा पतला करना है। यहाँ मैंने करीब 8 से 10 पनीर के क्यूब लिए हैं, इनको अच्छे से पानी डाल के पीस लिया है। आप चाहो तो जो पनीर बनता है उसे बांध लेना और उसको वैसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले पानी डाल के। स्वाद अनुसार इसमें काला नमक डाल रहे हैं और काली मिर्च, मसाले सिर्फ यही डालने हैं जब ये गैस के ऊपर है। उसके बाद जब हम गैस से उतार लेंगे उसके बाद इसमें ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये डिप बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे चाहो तो नाचो के साथ भी सर्व कर सकते हो या फिर वेफर्स के साथ भी। आप चाहो तो इस डिप को कहीं भी यूज कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी भी और साथ साथ हेल्दी भी है। मिर्च का जो पराठा बनाने जा रहे हो वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहो तो उसके किसी भी डिप की जरूरत नहीं है, ना रायते की जरूरत है। आप वैसे भी खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है, सचमुच बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे और मेरे परिवार वालों का सबसे फेवरेट पराठा है मिर्च का। आज जब सबकी फरमाइश पे बन ही रहे थे मिर्च के पराठे, तो सोचा आपसे इसका वीडियो शेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिए 8-10 हरी मिर्च और 10 से 15 लहसुन की कलियों को और करीब 1 कटोरी भुनी हुई मूंगफली और करीब 1 चम्मच जीरा, जो कि भुना हुआ नहीं है, सिंपल जीरा डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम इसको बिना पानी डाले ही ग्राइंड कर लेंगे और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर ये ग्राइंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब हम थोड़े से तेल में इसको भून लेंगे। बस इसको हल्का सा सोटे करना है, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट तक, वो भी धीमी आंच में, क्योंकि इसमें कुछ पानी नहीं डाले तो ये चेटेगा। तो पर इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे तो ये थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और यहाँ मैंने एक रोटी बेल रखी है, उसके ऊपर हम लगा रहे हैं घी और थोड़ा सा उसके ऊपर हम सूखा आटा डाल देंगे ताकि हमारे अच्छे से लच्छे बन के आ सके पराठे में। और जो ये मसाला हमने मिर्च का तैयार किया था इसको अच्छे से हम बिखेर देंगे। अब इसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद चक्कू की सहायता से हम इसको बीच में काट देंगे ताकि थोड़े से अच्छे लच्छे आ जाएं, ये इस तरह से, और ये आसानी से कट जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे और बीच में इसमें सूखा हुआ आटा भी डाल देंगे ताकि पराठों में लच्छा अच्छे से आ सके। इसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे घुमा के लोई बना देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे रोटी की तरह गोल गोल बेल लेंगे। साइड में मैंने तवे को गर्म होने के लिए रखा है। गर्म होने के बाद उसकी आंच को हम थोड़ा धीमा कर लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम सेकेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा है, करारे सेके ये। और इस तरह से हमने गोल बेल लिए हैं। अब हम इसे तवे पर डालेंगे। तवे पर डालने के बाद पहले हम इसको एक तरफ से सेकेंगे, फिर पलटेंगे, फिर घी लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से भी पलट के इसमें घी लगा देंगे और इस तरह से क्रिस्पी बन जाएगा। अच्छा, ये मसाला इसमें दिख रहा है पर ये मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हमने पराठे को बीच में से काटा था और फिर उसमें सूखा आटा डाला था तो इससे वो मसाला बिल्कुल सेट हो गया था। और ये देखिए इस तरह से हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। डिप मैंने इसलिए ही बनाई थी क्योंकि इसके साथ तो मुझे तो पसंद थी, इसलिए मैं खा रही हूँ। बाकी आप बिना डिप के भी इसको खा सकते हैं। और मुझे डिप घर में और चीज़ों के लिए भी चाहिए होती तो मैं अलग से बना के पहले ही रख देती हूँ। इतनी डिप मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2 से 3 बार काम में आएगी। हाँ, अगर आपके घर में पसंद करते हो डीप को इस पराठे के साथ तो इतनी तो आप बना नहीं। ये मैंने 4 लोगों के हिसाब से डीप बनाई है और ये सफिशेंट थी। पनीर की ये डीप टेस्टी भी और हेल्दी भी है। और इस तरह से हमारे 2 पराठे बन चुके हैं और चलो इसे सर्व करते हैं सलाद के साथ और डीप के साथ। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।